हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है व्यूवर्स? आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे हॉन्टेड सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो मैं सोचा भाई एक और हॉन्टेड एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हो जाऊँ। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंडिया की है, भांगड़ फोर्ट। आपने नाम सुना होगा, बहुत हॉन्टेड। और ये कुछ साल पहले जो है ना, आमिर खान ने जाने की कोशिश की थी इसमें। फिल्म स्टार आमिर खान ने बोला था कि मैं यहाँ शूटिंग करना चाहता हूँ, और उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। क्या वजह थी वो तो सामने नहीं आई, पर बताया यही जा रहा है कि उनको लोगों ने मना किया कि उस जगह पे कोई शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कि बरक्स आप कहीं और कर लो। तो मे भी गालिबन वो पीके की शूट थी उसमें। खैर, वो तो फिल्मों की बात होगी, हकीकत पे आते हैं। तो ये जो है ना फोर्ट, ये एक हॉन्टेड फोर्ट तो लोग का कहना है, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी लोगों ने किया है। और दिन के वक्त ये सब सही है, मतलब दिन के वक्त लोग जाते हैं, हज़ारों की तादाद में जाते हैं, कोई कैमरे से तस्वीरें बनाता है, सारी चीज़ें होती है। टाइम जो है वो प्लेस हॉन्टेड हो जाता है। काफ़ी लोगों ने रात के बाद भी छुप के वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने वहाँ पे कैमरे भी लगाए हैं, जैसे क्रेजी एक्स वाई जेड भी जो है बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी कैमरे वगैरह लगाए थे और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हालांकि उनकी वीडियोज़ में ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहुत अंधेरा था। इनको क्या करना चाहिए था, इनको कैमरे के अंदर लाइट भी थोड़ी सी लगानी चाहिए थी ताकि सामने से कुछ नज़र आए, पर इनकी समझदारी थी, इन्होंने बोला अगर लाइट लगाएंगे तो वो फिर उस जगह पर कुछ नज़र आना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो लाइट से फिर वो चीज़ें आती ही नहीं है। तो उन्होंने अंधेरा ही रखा हुआ था। खैर, उसमें से आवाज़ें काफ़ी दरवाज़ों की बंद खोल की रिकॉर्ड हुई हैं, और वो रात के वक्त हॉन्टेड हो जाती है जगह। दिन के वक्त सब सही होता है, दिन के वक्त लोग जाते आते हैं, चहल पहल होती है। तो काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस भी बड़े हॉन्टेड हैं। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती जो है ना इस जगह पे जाने की कोशिश की। तो अब मैं जो वाक्य सुना रहा हूँ वो हॉरर है, और एक शख्स के साथ हुआ था जिसके 3-4 फ्रेंड्स भी उसके साथ थे। तो वो लोग को बड़ा ये था कि भाई इस जगह पे जाके देखना हॉन्टेड है या नहीं, और काफ़ी लोगों ने बोला भाई ये हॉन्टेड है, तो वो मानते नहीं थे। तो उनमें से एक ने बोला कि यार रात को जाएंगे, क्योंकि रात को ये हॉन्टेड हो जाती है प्लेस, तो रात को उसको देखने जाते हैं। तो वो लोग जो है मेन जब रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पे गार्ड्स आ गए। गार्ड्स ने बोला भाई आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि कैसा वहाँ का माहौल है। उन लोगों ने बोला नहीं, हमें आप थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, बस हम गाड़ी अंदर ले जाकर वापस ले आएंगे। उन्होंने नहीं, आपको इजाज़त ही नहीं है, अरे आप क्या करें। तो ये लोग थोड़ा सा आगे ले गए गाड़ी ये लोग, और आगे क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ पे रोक के इन लोगों ने फलांगा और अंदर दाखिल हो गए। और इनके दोस्त शरारती मूड में थे, वो चले जा रहे हैं अंदर, और अंधेरा गुप्त कोई वहाँ पे एक मोबाइल की लाइट थी उससे वो लोग हल्के हल्के जा रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि कोई देख ना ले फिर उनकी आगे पिटाई कर देगा, बेटा तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तो खैर ये लोग जा रहे थे, तो कह रहे हैं कि इनका जो एक दोस्त था वो गायब हो गया। अब ये परेशान कि अरे कहाँ चले गया, तो ये लोग उसके पीछे गए कि देखते हैं कि कहाँ गया। वो पूरा किला, मतलब किला तो बड़ा हॉन्टेड था, अंदर तो जान नहीं सकते थे, तो वो बाहर बाहर से ही आवाज़ें दे रहे थे भाई कहाँ चला गया तू, और वो ये भी डर रहे थे कि पीछे से कोई आ रहा है। बहरहाल वो दोस्त वापस आ गया और वो हंस रहा था, वो कह रहा था कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसने बोला भाई ऐसी हरकतें नहीं करो, और यहाँ से बस ये देखना है कि है क्या सीन, और फिर चले आना है। आगे जब वो लोग बड़े हैं वो आदमी और उसके सारे फ्रेंड्स, तो एक कोई खड़ा हुआ था वहाँ पे ना, जो फोर्ट है उसके अंदर कोई खड़ा हुआ दिखा, भाई इन लोगों की हालत पतली हो गई। अब इन लोगों ने ना चूँ करो ना चाह, वो पहले समझ रहे थे यार कोई इंसान है, पर जब उसने देखा कि एक काला साया एक अजीब सा, तो वो वहाँ से भाग लिए। और फिर उसके बाद जो है वो उधर से फलांगे गाड़ी में बैठे और वो स्पीड से गए हैं, और बुखार भी उनको हुआ। उसके बाद उन लोगों ने तय कर लिया भाई ये है ऐसी चीज़ें, तो जो लोग भी हॉन्टेड के सीनों में जाते हैं ऐसे नहीं जाना चाहिए उनको, और ये चीज़ें होती हैं असल में, तो इंसान को बस एहतियात करनी चाहिए। तो यही वाली बात है। और कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और भांगड़ की कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। बस आप लोगों को सिर्फ एक काम है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना। ओके, अपना बहुत ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।